ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू फोटो एडिटिंग। तो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितने भी बैकग्राउंड पेज इसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइज मॉडल को ऐड करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे मॉडल का साइज जो है गाइज आपको कुछ मतलब कि थोड़ा छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ठीक है। मतलब कि साइज जो इतना परफेक्ट है, ठीक है। तो मतलब आप देख लेना जो फोटो में जो क्लाउड दिख रहा है उसके हिसाब से आपको मॉडल को रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऐड फोटो में जाना है गाइज, यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक ब्लैक कलर के पीएनजी। इससे गाइज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शेडो बनाने के लिए। तो गाइज हम इसका साइज इंक्रीज कर लेंगे, रिजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश को लेने के बाद हम साइज थोड़ा छोटा कर देंगे एंड फोटो को थोड़ा जूम करेंगे। एंड फोटो को जूम करने के बाद गाइज हम कुछ इस टाइप से हम अपने पैरों को नीचे ड्रॉ करेंगे, मतलब कि एक ड्रॉइंग टाइप की बनाएंगे। एंड उसके बाद हम इसको मतलब कि एक शेडो के मतलब अकॉर्डिंग बना रहे, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, आपको जितना मतलब कि शेडो बनाना हो, आप चाहो तो एक सर्कल वाला शेडो भी बना सकते हो, जैसे ही गाइज आपको पता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, डन करना है। इसके बाद आपको रिजल्ट टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे फोटो को डन कर देना है। एंड गाइज उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना गाइज यहाँ से अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइज यहाँ से ऐड करना है आप सभी को ये वाला पीएनजी, ठीक है। ऐड फोटो में जाकर आपको वाला पीएनजी ऐड करना है एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से ऐसे ऐड करना है, कुछ साइज जितना रख लेना है। एंड गाइज इतना परफेक्ट है आप गाइज, आपको इसको कर देना है डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपको अपनी फोटो यहाँ पे सेव करके एंड इसको लेके चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइज ये रिटच के बिना तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो अभी हम इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। एंड गाइज लाइट रूम ऐप में फोटो को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करना है, हाईलाइट है जो गाइज इसको थोड़ा सा कम करना है, एंड जो शेडो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड जो गाइज यहाँ पे व्हाइट है इसको आपको थोड़ा सा इसको कम कर देना है, यहाँ पे व्हाइट बढ़ा देना है, ठीक है। जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा कम कर लेना। फिर आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को आपको बढ़ाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना है हल्का सा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जाना है मिक्स में, आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस करना है। एंड उसके बाद आपको इसको ल्यूमिनस बढ़ाना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है। फिर आपको जाना है डार्क ब्लू में, हल्का सा सैचुरेशन जो है इसको माइनस कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है डन, ठीक है। यहाँ पे हमें आपको और कोई काम नहीं है। अब उसके बाद हम जाएंगे नीचे वाले टूल में, ठीक है। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी है आपको उसको थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। आपको नीचे मिलेगा एक विग्नेट वाला ऑप्शन, आपको सिंपली विग्नेट डाल देना थोड़ा सा। एंड नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा आप ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइस आपका फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है। नीचे मिलेगा आपको नोड रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट रिटच हो चुकी है।